दोस्तों, मैं पंकज धवानिया आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। ये हमारा डबल सिलेंडर का जनरेटर हैगा और इसमें हम चेक करेंगे स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा और ये लोड भी नहीं ले रहा है। अभी कहीं साइड पे गया था तो वहाँ पे लोड की दिक्कत कर रहा था और उसमें हम एक बार इसमें चेक करेंगे क्या क्या हैगा। और इससे पहले मैं एक वीडियो घेरने वाला था AVR की, वो मैं घेर नहीं पाया क्योंकि वो मैंने सब चीज़ कर चुका था, तैयार थी वीडियो डाउन मतलब अपलोड करने वाला था, पर उससे पहले ही किसी कारण से वो डिलीट हो गई अपना पे। अब मैं रिकवर कर रहा हूँ तो वो हो नहीं पा रही है। जब भी मेरा वो रिकवर हो जाएगा तो मैं वीडियो घेर दूँगा और आपके लिए ये वीडियो है कि ये डबल सिलेंडर का जनरेटर है, ये आप देख सकते हैं इसमें हमारे क्या क्या सेटिंग होती है, क्या क्या चीज़ हम इसमें आपको काफ़ी चीज़ बताएंगे। और आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो और आपको लगता है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है और उसके चक्कर में आप लाइक नहीं करते हो तो हम वीडियो छोटी बनाने शुरू कर देंगे। अब जैसे कि ये वीडियो है, अब ये हमारी 8-9 मिनट की वीडियो है और जिसमें कि हमारी थोड़ी सी जो हमारे दोस्त कहते हैं कि हमें पहले बता दें जिससे कि हमें लगे कि वीडियो देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, इस चीज़ के लिए पहले ही कह दें। तो इसी वजह से हम इसमें पहले ही बताते हैं कि इसके लिए है, जिस भाई को देखना है तो देख सकता है, जिसको नहीं देखना है, जिसको लगता है कि मेरे पे सब नॉलेज है, वो ना देखे, ठीक है जी। और हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें जिससे कि हमारा उत्साह बढ़ता है और हमारी वीडियो आगे बढ़ती है और सबके पास तक पहुंचती है। आप लोग शेयर करो जिससे कि शेयर करने से जिसकी दिक्कत है कोई वो उसकी दिक्कत सोल्व हो सकती है, ठीक है जी। तो ज़्यादा शेयर करो और अब आओ देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या है। सब्सक्राइब करें पंकज धवानिया चैनल को, इस लाल बटन को दबा के, और सबसे लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए इस बेल आइकन को दबाएं नई वीडियो पाने के लिए। दोस्तों ये देखें, ये सेट है डबल सिलेंडर 114 mm का पिस्टन है। इसका मोबाइल ऑयल चेक कर लेते हैं। कभी भी जब भी आप कोई जनरेटर स्टार्ट करो या उसे चेक करना हो, सबसे पहले हमें उसका मोबाइल ऑयल चेक करना चाहिए और उसका पानी चेक करना चाहिए, उसमें पानी कितना है, क्योंकि पानी और मोबाइल ऑयल सबसे पहले इनकी जान है, क्योंकि जो ये नहीं होगा तो ये जनरेटर हमारा किसी काम का नहीं है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो ये देख लें हमें मोबाइल ऑयल कितना है, इसमें 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच में है। और आप लोगों का कमेंट रहेगा तो मैं इसका मोबाइल ऑयल चेक करना भी बताऊंगा, एक इसके लिए वीडियो बना दूंगा जिसमें कि आप ये गेज कई बार ऐसा होता है कंपनी से छोटा बड़ा आ जाता है, या ऐसा होता है कि हमारा गेज टूट गया है, ख़राब हो गया, तो किसी ने दूसरा गेज डाल दिया और हम उस गेज से चेक कर रहे हैं तो नहीं हो पाता है। तो उसके लिए मैं वीडियो अलग से बना दूंगा कैसे चेक करते हैं मोबाइल। तो स्टार्ट करके देखते हैं क्या लोड लेता नहीं लेता, स्टार्ट नहीं हुआ है, दोबारा लगा के देखते हैं क्या दिक्कत हो रही है। ये देखें दोबारा वाल घेरते हैं, हमारा पंप भी काम कर रहा है थोड़ा थोड़ा। ये देखें ये फिर स्टार्ट नहीं हुआ, तो अब हम ये हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा है, इसे एक बार चेक कर लेते हैं हवा हवा ले रहा है या तेल आ रहा है नहीं आ रहा है इस चीज़ को। तो ये देखें ये हमने पंप खोला है, पंप के पाइप खोला है, ये वेंजो 19 नंबर के पानी से इसमें तेल ही नहीं आ रहा है इस साइड। तो ये देखें जो इनसे वो इस साइड का पाइप होता है हमारा लोहे वाला, ये पिला रबड़ होती है अंदर, और ये हमारा पाइप ज़्यादातर ख़राब हो जाता है, चौक हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा सेट एक पंप पे काम करता रहता है या दोनों पाइप में ऐसा लगा रहता है तो दोनों चौक हो जाती है और आगे तेल नहीं पहुंचता और हमारी टंकी फुल रहती है और हम सोचते रहते हैं कि कहाँ पे दिक्कत है कहाँ नहीं दिक्कत है। तो ये कई बार हमारा फिल्टर भी चौक हो जाता है जिसके मोबाइल डीजल हमारा आगे नहीं पहुँचता और हमारा जनरेटर स्टार्ट होता है बंद होता है, स्टार्ट होता है बंद होता है। कई बार क्या होता है हमारे जो पाइप होते हैं उसमें तेल स्टॉक हो जाता है, थोड़ा थोड़ा निकल के
इकट्ठा हो जाता है, उसके इकट्ठा होने पे और जब हम स्टार्ट करते हैं तो जनरेटर स्टार्ट हो जाता है, फिर कुछ देर बाद फिर बंद हो जाता है दोबारा, और हम चेक करते रह जाते हैं क्या दिक्कत है क्या दिक्कत है, पर इस चीज़ का नहीं चेक कर पाते कि ये वाले चौक ये वाले पाइप होते हैं ये मेरे सामने कितनी बार आ चुके हैं जो हर बार खराबी मिलते हैं मुझे। अब ये इस जनरेटर में देख लो, ये इसमें भी मुझे चौक मिला है, ये देखें यहाँ से तेल निकल रहा है पर ये आगे सप्लाई नहीं कर रहा है, तो ये हमारा ख़राब हो रहा है, तो इसको हम बदलते हैं फिर उसके बाद आपको इसमें दिखाते हैं और क्या क्या होता है। ये देख ली, डबल 19 का है, इधर भी 19 का, इधर भी 19 का, और बेंजो बेंजो है एक, किसी किसी में होता है नट बेंजो, एक तरफ नट होगा 13 नंबर की चाबी लगती है और एक तरफ 19 नंबर का बोल्ट लगता है। तो ये देख लें, इसमें हमारा अल्टरनेटर है 15 KVA का चौक वाला, तो इसमें हम इसमें चेक करके लोड टेस्ट करके दिखाएंगे। हमने लगाया पर स्टार्ट नहीं हुआ, तो इसका पाइप अब मंगाया है हमने क्योंकि हमारे पास ख़त्म हो रहा है, तो पाइप लेने गए हैं, फिर इसको चेक करके देखते हैं। ये छोटा पाइप लगा कर देखा था, ये लीकेज कर रहा है, ये देखें। एक व्यूअर ने हमारे बोला था कि हमारी बेल्ट बार बार टूट रही है, पानी फुल है इसमें हमारा, और हमें ये वाटर बॉडी के पास ये पीतल का बोल्ट होता है यहाँ से हमें हवा निकाल देनी चाहिए, जिससे कि अक्सर ऐसा होता है कि हमारा सेट गर्म हो रहा है, तो हम देखते हैं क्यों गर्म हो रहा है। तो ये देखें, इसमें हल्की सी देखें कितनी देर में आया पानी, तो ये हवा बनी हुई थी, ये थोड़ी सी भी इसमें पंप में हवा रहेगी तो ये हमारा पानी घुमाएगा नहीं, या पानी घूमेगा नहीं तो हमारा सेट गर्म होएगा, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये इसमें वी बेल्ट लगी हुई है, इसमें कोई कड़ी नहीं है, और ये देखें बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल सही है। पंखड़ी का कई बार ऐसा होता है कि पंखड़ी बेल्ट ढीली होती है और उसकी वजह से पंप सही से तेज़ी से पानी फेंकता नहीं है, घुमाता नहीं है, और पंखी जो हमारी पंखड़ी लग रही है ये भी हमारे इंजन को ठंडा नहीं करती और रेडिएटर को भी ठंडा नहीं करती। ये देखें, इसमें बेल्ट इसलिए फिक्स लगानी चाहिए और टाइट होनी चाहिए। ये कितने नंबर बेल्ट है आप देख सकते हैं, ये 51 है, 51 बेल्ट है, और 50 और 49 लगती है हमारे 7.5 में, ये डबल सिलेंडर है तो इसमें 51 लग रही है। तो अब हम इसमें थोड़ा लोड डाल के देखते हैं, हमारा जनरेटर स्टार्ट हो गया है, हमने पाइप दूसरा चेंज कर दिया है इसमें, तो ये देखें कितने वोल्टेज दे रहा है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी 49 है, 49-48 के आसपास है, वोल्टेज 220-230 दिखा रहा है। हमारे व्यूअर ने कमेंट किया था कि इसके वोल्टेज कम है, 200 वोल्टेज देखो ये आ गए, और फ्रीक्वेंसी भी घट रही है बढ़ रही है, तो इस पर डिपेंड करता है हमारा कि कितने एम्पियर डल रहा है। क्या होता है कि जब हमारा फ्रीक्वेंसी 50 होती है और वोल्टेज हमारे जितने भी होते हैं, जब हमारा लोड पड़ता है तो फ्रीक्वेंसी भी कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है तो हमारी जनरेटर की स्पीड कम होती है, और जनरेटर की स्पीड कम होने पर हमारे वोल्टेज भी कम होते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारे वोल्टेज ज़्यादा होंगे तो एम्पियर कम लेगा, और वोल्टेज कम होंगे तो एम्पियर ज़्यादा लेगा। तो ये देखें, अब ये दोनों पाइप जल रहे हैं, इसके लोड पे कोई भी धुआं नहीं दे रहा है, अन्य तो इतने उस पर धुएं धवाल कर देता क्योंकि इसका एक सिलेंडर चल रहा था और एक नहीं चल रहा था, तो इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारे दोनों सिलेंडर चलने चाहिए, और जब साइड पर कहीं चला जाता है तो वहाँ काफ़ी दिक्कत होती है और कन्फ्यूजन होती है काफ़ी, क्योंकि हम सही से तसल्ली से चेक नहीं कर पाते और सामने पार्टी वाले का प्रेशर होता है, इस वजह से हम कुछ नहीं समझ पाते। देखिए काफ़ी बढ़िया सेट चल रहा है, कोई धुआं नहीं है और दोनों पिस्टन चल रहे हैं इसके, और डबल सिलेंडर बिल्कुल बढ़िया हुआ साउंड कर रहा है। ठीक है जी, और कोई भी कमेंट हो आप हमें कमेंट कर सकते हो, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो, हम आगे आपको बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।